हेलो, फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कन्वर्शन डिसऑर्डर के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पुणे, नागपुर, बॉम्बे यहाँ सभी जगह हॉस्पिटल्स है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों का इलाज करते हैं। कन्वर्शन डिसऑर्डर यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें ऐसा लगता है कि लक्षण शारीरिक है, कारण मानसिक है। और कोई भी शारीरिक कंडीशन, मतलब कोई शारीरिक बीमारी, मेडिकल कंडीशन से यह लक्षण कोरिलेट नहीं होते, दिखाई देते नहीं। मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई बीमारी है ऐसा मालूम नहीं पड़ता। लक्षण शारीरिक है, कॉज मानसिक है और बाकी कोई बीमारी दिखाई देती नहीं। इसका मतलब यह है कि कुछ तो भी झगड़ा होते रहता है या संघर्ष हुआ है, झंझट हो गई, स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया और खटाक से लक्षण चालू हो गए। लगता है कि कोई तो भी शारीरिक बीमारी है मगर रहती है मानसिक कारण की वजह से। महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देती है और यंग जो महिला है उसमें ज़्यादा दिखाई देती है। यूजुअली नई नई शादी हो गई, सास का बहू का झगड़ा हो रहा है, कुछ तो भी झंझट हो रही है और उसमें फटाक से बहू को लक्षण दिखाई देना चालू हो जाते हैं। सब तरह की जांच पड़ताल करने के बाद में सब नॉर्मल आता है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं और खराबी कोई दिखाई देती नहीं है। मगर है तो सही, बीमारी तो है ही। यह बीमारी का असर सोशल, मतलब सामाजिक इंटरेक्शंस में होता है या व्यवसायिक रूप में इसका असर होता है। मतलब रोजमर्रा की ज़िंदगी में इसके प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। लक्षण है, व्यक्ति बीमार दिखता है, ऐसा लगता है कि वो तो बहुत बड़ी बीमारी है मगर कारण मानसिक है। सब इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट पूरे नॉर्मल है। लक्षण कौन से हैं? एक है पैरालिसिस, मतलब लकवा मारना, हाथ ढीला पड़ जाना, पैर ढीला पड़ जाना, एक हाथ एक पैर चले गया अचानक और ढीला पड़ गया और चलना बंद हो गया, या मुक्का हो गया, गूंगा हो गया, या एकदम नज़र चली गई, अंधा हो गया या बहरा हो गया, आवाज़ बंद, या फिर झटके आना शुरू हो जाता है। ऐसे एकदम बहुत ही ड्रामेटिक चेंजेस दिखाई देते कि कुछ तो भी बहुत ही बड़ा एकदम सीरियस काम हो गया, व्यक्ति बेहोश हो गई है, झटके आ रहे हैं, लोग लगता है कि भाई कितना सीरियस हो गया, भागो, इधर उधर दौड़ना चालू हो जाता है और वो उनको क्रिटिकल केयर में, इंटेंसिव केयर में भर्ती कर डालते हैं। सब तरह की रिपोर्ट करने के बाद में नॉर्मल, तो फिर है क्या भाई? बाद में मालूम पड़ता है कि कुछ तो भी साइकोलॉजिकल कारण है, बहुत बड़ा लॉस हो गया, पैसे का लॉस हो गया, कोई झंझट हो गया, प्रेशर आ गया, काम का प्रेशर है, सास बहू का झगड़ा है, कोई फ्रॉड किया उसमें भी पकड़े जाएंगे ऐसा लगता है। तो ऐसे अलग अलग कुछ तो भी स्ट्रेस है उसकी वजह से ये लक्षण चालू हो जाते हैं। भूख नहीं लगती, फिर थक जाते हैं, नींद नहीं आती, ऐसे अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें के लोग जो है ना, वो 95% लोग 2 हफ्ते में अच्छे हो जाते हैं। मगर होता क्या है कि लक्षण इतने ऐसे ड्रामेटिक दिखते हैं कि रिश्तेदारों को लगता है कि बहुत सीरियस बीमारी हो गई और भागा दौड़ी चालू हो के इंटेंसिव केयर में भर्ती करके 50,000-1,00,000 रुपए तो बैठ ही जाते। इतना मतलब सीरियस दिखता है लोगों को। इसमें कुछ करने का नहीं है। यदि रिपोर्ट्स नॉर्मल है और ऐसा ड्रामेटिक चालू हो गया, एकदम अचानक बीमारी चालू हो गई और स्ट्रेस के बाद में चालू हो गई, तो इन्वेस्टिगेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो है मानसिक ही। उसका इलाज है साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन उपचार, मानसोपचार, क्या टेंशन आ गया उसका कैसा सामना कर सकते हैं, वो टेंशन का पावरफुली कैसा उसको डील कर सकते हैं उसके बारे में साइकोथेरेपी करना, और उसको मजबूत होने में, वो व्यक्ति को मजबूत होने में उसको सहायता करना, तो ये ज़रूरी है। नींद आती नहीं है या थोड़ा टेंशन कम करने का है तो टेंशन रिलीविंग कोई मेडिसिन दे सकते हैं, एंग्जाइटी रिलीजिंग मेडिसिन कोई दे सकते हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस दे सकते हैं या फिर एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन दे सकते हैं, तो जिससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, नींद भी आती है और ज़रा टेंशन तनाव कम हो जाता है और व्यक्ति अच्छा हो जाता है। मगर ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर से तनाव आने के बाद में। इसके लिए ऑनगोइंगली कुछ दिन तक साइकोथेरेपी करना, मन मजबूत होना, क्योंकि होता क्या है कि 1 साल के अंदर फिर से दोबारा ये बीमारी आ सकती है, क्योंकि टेंशन तो लाइफ में आएंगी, झंझट झगड़ा हो सकता है, फिर बीमारी आ जाएंगी। इसलिए वो व्यक्ति का मनोबल
बढ़ाना, पावरफुल व्यक्ति कैसा हो जाए उसके लिए उसको साइकोथेरेपी करना, जिंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसा फेस करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है रिश्ते लोगों के उसमें जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको कैसा फेस करना, इसके बारे में यदि हम उसको हिप्नोथेरेपी देते हैं, साइकोथेरेपी देते हैं तो व्यक्ति वो अच्छा हो जाता है। महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देता है, स्पेशली शादीशुदा महिलाएं रिसेंटली मैरिड है, झंझट हो रही है एकदम फटाक 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 से, उसको एकदम टेंशन आके बीमारी शुरू, झटके शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मतलब ये देखना है कि रिश्तेदारों ने ऐसे बहुत भागा दौड़ी करना, सीरियस है करके ये करना, बहुत अटेंशन देना, ऐसा कुछ करने का नहीं है। शांति से साइकेट्रिस्ट के पास में जाना, उसका इलाज करना बहुत आवश्यक है। ऐसी बीमारियाँ काफ़ी लोगों में टेंशन आने के बाद दिखती है। जरूर ये वीडियो आपके संपर्क में जितने लोग उनको शेयर करो, ताकि लोगों का एजुकेशन इसमें हो जाएगा, लोगों के खर्चे बच जाएंगे, मैन आवर्स बच जाएंगे, लोग बीमार होते दो दो हफ्ते तक फिर हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो वो बच जाएगा, लोग जल्दी अच्छे हो जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो आइकॉन आता है बेल का उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारे पास में लोग आना असंभव लगता है, दूर दूर के फ़ोन हमको आते रहते हैं, हम फ़ोन के ऊपर लोगों को काउंसिलिंग करते हैं, सजेशंस देते हैं, साइकोथेरेपी करते हैं, तो आप हमको नीचे दिए जो नंबर से उसके ऊपर आप संपर्क भी कर सकते हैं और ऑनलाइन काउंसिलिंग भी आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।